बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि आज की पांच बड़ी खबरें यानी कि सुपर फाइव में आज क्या कुछ खास है, उन तमाम पांच बड़ी घटनाओं को लेकर हम अगर चर्चा करने की कोशिश करें तो आपको बता दें कि आज की पांच बड़ी घटनाओं में यह है कि पहली बड़ी घटना तो यह है कि बिहार आज बहुजन समाज की तरफ से बंद किया गया था। दूसरा आपको बता दें कि पप्पू यादव इस बंद को समर्थन था। दूसरी बड़ी घटना की रुख करते वक्त बता दें एनआरसी और कैब के मुद्दे को लेकर देश भर के अंदर बवाल मचा हुआ है। तीसरी आपको बता दें कि भीम आर्मी की तरफ से आज जयपुर के अंदर महा आंदोलन किया गया। चौथी आपको बता दें कि जिग्नेश मेवाणी ने आज वड़गांव में प्रदर्शन किया। पांचवी आपको बता दें कि अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कानून को काला कानून बताया है। तो ये आज की पांच बड़ी घटनाएं थी जिन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली बड़ी घटना की रुख करते हैं, आपको बता दें कि आज एनआरसी और कैब मुद्दों को लेकर बिहार पूरी तरीके से बंद रहा। आपको बता दें कि पप्पू यादव और अमर आजाद जैसे युवा नेताओं की तरफ से आज बिहार बंद बुलाया गया था और इस दौरान कई जगहों पर बंद का असर खासा देखने को मिला। इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर जो बंद के समर्थक थे जैसे अमर आजाद और अन्य साथी, उनको प्रचार करने से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ताकि भारी तादाद में लोग एकत्रित ना हो और प्रदर्शन ना कर पाए। इधर आपको बता दें कि पप्पू यादव के घर पर भी छापेमारी की थी लेकिन पप्पू यादव हाथ नहीं आए, उसके बाद वो मधोपुरा और कई जगहों पर प्रदर्शन करते भी नजर आए। दूसरी बड़ी घटना के रुख करते आपको बता दें कि एनआरसी और सीएबी के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर के अंदर आंदोलन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि एनआरसी और सीएबी के मुद्दे को देश भर में आंदोलनरत माना जा रहा है। आपको बता दें देश के अंदर आज दिल्ली, कर्नाटक, बिहार जैसे कई राज्यों के अंदर प्रदर्शन देखने को मिले। इस दौरान आपको बता दें कि खबर ये आ रही है कि इतिहास का कार रामचंद्र बुआ को गिरफ्तार किया गया है, योगेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है, मतलब कुल मिलाकर कई साथियों को आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने की भी खबर सामने आ रही है। इधर तीसरी बड़ी घटना के रुख करते हैं, आपको बता दें कि 2 अप्रैल यानी एससी एसटी एक्ट आंदोलन के तहत राजस्थान के अंदर जिन दलित कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए थे उनको लेकर भीम आर्मी की तरफ से आज जयपुर के अंदर विशाल प्रदर्शन किया गया। उनकी तरफ से ये आह्वान किया गया कि जयपुर के अंदर भीम आर्मी ने पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अगर इन मुकदमों को वापस नहीं लेती है तो हम बहुत ही विशाल मात्रा के अंदर दोबारा आएंगे और गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एससी एसटी पर लगे वो मुकदमे आज तक वापस नहीं लिए। 2 अप्रैल 2017 को जब एससी एसटी एक्ट के अंदर संशोधन किया गया था उस दौरान दलितों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया था और उसी दौरान यहां पर बीजेपी की सरकार थी और उनकी तरफ से ये मुकदमे लगाए गए थे। चौथी बड़ी घटना की रुख करते आपको बता दें जिग्नेश मेवाणी जो कि दलित क्रांतिकारी नेता माने जाते रहे और वड़गांव से विधायक है, उनकी तरफ से आज अपने विधानमंडल क्षेत्र वड़गांव के अंदर विशाल प्रदर्शन किया गया। एनआरसी और कैब जैसे मुद्दों को लेकर ही उन्होंने मोदी और योगी की और अमित शाह की जोड़ी के ऊपर टिकड़ी पर उन्होंने तंज कसे और इसके अलावा अपने भारी मात्रा के अंदर अपने साथियों को आज आमंत्रित किया और भारी तादाद में भीड़ भी मौजूद रही। इस दौरान आपको बता दें कि कहीं जो राजमार्ग थे वड़गांव के वो पूरी तरीके से जाम हो गए, उसका पूरा वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पांचवी बड़ी घटना के रुख करते आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर आज ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके इस मामले को काला कानून बताया है। एनआरसी और कैब जैसे मुद्दों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ट्वीट करके कहा कि सरकार इस कानून को वापस ले और अर्थव्यवस्था और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर काम करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि ये कानून पूरी तरीके से काला कानून है और ये देश की जनता को बांटने वाला कानून है। इधर अखिलेश यादव ने भी यही बातें कही, उन्होंने कहा कि देश के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई है उनकी एक ही राजनीति रही है कि कैसे तैसे करके देश को बांटा जाए और आपस में लड़वाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि ये काला कानून है और इसको हर हाल में हम वापसी नहीं होने तक लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मुझे। और आपको बता दें कि अगर आपके पास बहुजन समाज से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर है या छोटी खबर है आप हमारे नीचे दिए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।